हेलो, वेलकम टू सत्यम क्राफ्ट। तो आज का हमारा वर्कशॉप है हाउ टू मेक अ हैम्पर, मतलब हैम्पर कैसे बनाते हैं, हाउ पैक कैसे करते हैं हैम्पर। तो उसमें हम आपको सिखाने वाले हैं एक पहला हैम्पर, ये वाला, एक ये वाला हैम्पर और एक ये वाला हैम्पर। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ इस हैम्पर से। तो इसके लिए हमें चाहिए ऐसा वाला बॉक्स और ये नेट। तो वो आपको ऐसे रेडी सेट में मिल जाएगा, ये बॉक्स इसके साथ, ये नेट और एक ट्विस्टर। पहले हम ये बॉक्स लेते हैं, इसमें हम सामान अरेंज करते हैं जो भी हमें गिफ्ट करना है। तो उसके लिए ग्रास पहले हम, हमारे पास जो भी हमें गिफ्ट करना है वो इसमें अरेंज करेंगे। तो जैसे हमारे पास स्वीट बॉक्स है, मतलब मिठाई का डिब्बा है, या फिर इसमें कोई भी गिफ्ट आपने रखी है, ये वेफर्स, थोड़ी सी चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट, आपको जो भी गिफ्ट करना है आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी स्पेस है, तो आपको, मतलब आपको अगर जो भी इसमें रखना है आप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो यहाँ बाकी बची हुई स्पेस में हम थोड़ा सा ड्राई ग्रास अरेंज करेंगे। ये फोल्डिंग बैग है, इसमें आप ड्राई फ्रूट या इसमें भी छोटी वाली चॉकलेट्स जो आती है वो रख के इसमें रख सकते हैं। चलो, अब ये तो हमने रख दिया, अरेंज कर दिया, इसको रैप कैसे करेंगे? इसके लिए इसके साथ ऐसी नेट दी गई होगी, उसको आपको पहले खोलना है। हैम्पर बॉक्स को यहाँ बीच में हम रखेंगे, फिर सब साइड से नेट लेके उसको पैक करेंगे। सब साइड से हमने ये नेट ले ली है, तो अब इसको हम ट्विस्टर से यहाँ पे टाई करेंगे। ये था सबसे इजी, मतलब ये थी सबसे इजीएस्ट वे टू पैक अ हैम्पर। लेकिन हमें इसमें कुछ यूनिक करना है। जैसे हमने यहाँ से इसको काट दिया तो ये हैम्पर रेडी हो गया। यहाँ पे फ्लावर बंच लगा दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, तो ये हैम्पर रेडी हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें कुछ यूनिक करना है, तो वो हम देखते हैं। इसको आप ऐसे चार पार्ट में डिवाइड कीजिए। ये हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर इसको ट्विस्ट करना है। एक पार्ट ले लीजिए, उसको ट्विस्ट कीजिए। और इसके आजू बाजू रैप कर दीजिए, ट्विस्ट करते जाइए और राउंड में ऐसे घुमाते जाइए, पूरा जलेबी जैसा हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमें उसका दूसरा पार्ट लेना है, सेम वैसे ही करना है, ट्विस्ट किया और उसके आजू बाजू घुमा दिया। और अब बाकी बची हुई जो दो है उसको भी वैसे ही करना है। और ये लास्ट, तो ये हमारा पैकिंग रेडी हो गया। अब यहाँ हम थोड़ा सा छोटा सा कुछ फ्लावर जैसा कुछ रखेंगे, तो ये हमारा हैम्पर पैकिंग रेडी है। इसमें आप ऐसे गोल्डन कलर की या कोई भी कलर की, मतलब नेट यूज कर सकते हैं। इसमें आपको इसमें यहाँ पे आपको फ्लावर बंच लगाना है, रिबिन का बो बनाना है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं।
तो ये पूरा एक हैम्पर हमारा रेडी हो गया। इसमें आप नेट के कलर भी अपने चॉइस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब हम दूसरा हैम्पर लेते हैं, ये वाला हैम्पर। इसमें आप ड्राई फ्रूट या चॉकलेट की जार रख दीजिए, चॉकलेट का बॉक्स रख दीजिए, ड्राई फ्रूट स्वीट का बॉक्स रख लीजिए, गिफ्ट कर सकते हैं आप ऐसे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है MDF कटिंग, और उसके ऊपर हम स्टिक करेंगे ये ग्लास। ये आप ग्लू गन से कर सकते हैं, ग्लू गन ज्यादा गर्म मत रखिए नहीं तो ये कांच टूट जाएगा। ये एक बार स्टिक हो गया, फिर हम इसके बॉर्डर पे ये लेस स्टिक करेंगे। ये भी हमें ग्लू गन से ही करनी है, तो कुछ ऐसा लुक आएगा। MDF कटिंग ग्लास और ये जूट की लेस ली है हमने। फिर हमें एम्ब्रॉयडरी रिंग लेनी है। इसको खोल दीजिए, दोनों को अलग कर दीजिए, और इसको हमें यहां से ये जो पतली वाली जूट डोरी आती है ना उससे टाई करनी है। नीचे से थोड़ा ब्रॉड रखेंगे और ऊपर से साथ में लेके टाई करेंगे। तो ऐसे रेडी हो जाएगा। और उसमें आगे की साइड हमने जूट लेस लगा दी है, जो हमने यहाँ मिरर पे यूज की है वही हमने इस पे भी आगे लगाई है। यहां से एकदम टाइट हो गया, तो इसको स्टिक करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से जूट लेस स्टिक कर दी, तो ऐसा रेडी हो जाएगा। ये जूट लेस नहीं लगानी है आपको, कोई रिबिन लगानी है या फिर कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसे ही छोड़ना है, तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। टाई करने के लिए आपको जूट डोरी यूज करनी है, ये वाली पतली वाली जो जूट डोरी आती है वो, या फिर आप साटिन की रिबिन भी यूज कर सकते हैं। एक बार फिर हम देख लेते टाई कैसे करते हैं। ये दो रिंग ली है आपने, उसको ऐसे रखा और उसके ऊपर कैसे टाई करना वो हम दिखा रहे हैं। हाँ, वो भी साइज ऑफ एम्ब्रॉयडरी हुक 8 इंच। टाई करना कितना इंच वाली है बता दे। तो टेन इंच वाली हमने यूज की है। इसमें आप 8 इंच वाली भी ले सकते हैं, 12 इंच वाली भी यूज कर सकते हैं। रिंग को थोड़ी अप डाउन लेना है ताकि नीचे का सरफेस आपका फ्लैट आ सके। बस आपको ऐसे पकड़ के, अगर थोड़ा इजी करना है तो पहले तार से टाई कर दीजिए, उसके ऊपर फिर आपको ये जूट डोरी सिर्फ रैप करनी है। बस तो इस तरह हमारा रेडी हो जाएगा। यहां से हमने ऐसे टाई की है। फिर इसके आगे भी वही लेस लगा दी जूट डोरी जो हमने मिरर पे लगाई थी। जो मिरर रेडी था उसको अब यहाँ बीच में रख देते हैं। साइज आप थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं नीचे,
इसको स्टिक कर देते ग्लू गन से। ये चार साइड से हमने यहाँ यहाँ और यहाँ दो साइड से हमने ये स्टिक कर दिया, तो ये ग्लास हमारा फिट हो गया हैम्पर के लिए। एक दो तीन चार, यहाँ से ये टाइट हो गया। अब इसके नीचे हम स्टैंड बना देते हैं तो ये खड़ा रहने में आसानी होगी। तो इसके लिए हम ये बीड्स यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी सरफेस राउंड है तो हमें ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। तो अब ये आसानी से खड़ा रह पाएगा। कौन सा बीड्स है? ये गोल्डन बीड्स है, वुडन के है। आप कोई भी ले सकते हैं? हाँ, आप कोई भी ले सकते हैं। आप आपके घर में कुछ हो या फिर पर्ल भी यूज कर सकते हैं, बड़े वाले। अब हम इस पे थोड़ा सा फ्लावर से डेकोरेट करते हैं, फ्लावर बंच बनाते हैं। इसमें अगर आपके पास कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर है घर पे तो आप वो मिक्स एंड मैच करके यहाँ पे एक साइड पे एक बंच बना दीजिए। हम ये फ्लावर यूज कर रहे हैं। बीड्स को क्या बोलते हैं? वुडन बीड्स। ऑक्टागन शेप। ऑक्टागन शेप वुडन बीड्स बोलते हैं इसे। ये इसमें तीन चार है अलग अलग, 5 रुपीज, 12 रुपीज, 8 रुपीज। तो एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। हमने ये वाली कॉर्नर ली है तो यहाँ पे एक बंच बनेगा पहले। बंच को फ्लावर को ग्लू गन से ही स्टिक करना है इस तरह। अगर बता दी ये हो गया हमारा फ्लावर का डेकोर। अब हम थोड़े बहुत पोलन्स और थोड़े लीव्स यूज कर रहे हैं इसको थोड़ा सा हम लाइव बनाने के लिए। ये है पोलन्स, लूज पोलन्स। यहाँ पे हमने ये गोल्डन लीव्स यूज किए। ये पोलन लेके यहाँ से जॉइंट करके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। मिरर को चिपकाने के लिए ग्लू गन के अलावा और कुछ यूज कर सकते हैं? फेविकॉल। आप फेविकॉल से स्टिक कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। डबल साइडेड टेप से भी यूज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन रिपीट करो पर से। हां, मिरर को चिपकाने के लिए। मिरर को चिपकाने के लिए आप फेविकॉल यूज कर सकते हैं, डबल साइडेड टेप से यूज कर सकते हैं। फेविकॉल से हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ग्लू गन बेस्ट रहती है, फिर भी आपके पास नहीं है तो फेविकॉल से मिरर स्टिक कर सकते हैं आप। हमारा फ्लावर बंच इतना रेडी हो गया। आपको और कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं आप।
इसे एक साइड का कंप्लीट हो गया, अब हम सामने की साइड पे यहाँ पे नीचे कर रहे हैं थोड़ा सा। ये फ्लावर स्टिक करने के बाद और आजू बाजू ऐसे थोड़े पोलन इसको फ्लावर रतलन्स यूज करेंगे। हाँ, फ्लावर का पूरा बंच बनाना है, सिर्फ एक फ्लावर लगा के नहीं छोड़ देना है। तो बंच बनाने के लिए हम थोड़े से ऐसे स्कटलन्स और पोलन्स यूज करेंगे। ये मिरर 6 इंच का है अप्रोक्स। तो ये दूसरी साइड भी हमारा बंच बनके रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम बॉल चेन यूज करेंगे, ये वाली चेन, या फिर आपके घर में अगर मोती है, पर्ल्स है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कोई गोल्डन डोरी है, वो जो डिजाइनर बोलते हैं थ्रेड, वो सब आप यूज कर सकते हैं। इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे ही लगाना है रफली। इसका पॉइंट ग्लू गन से आप स्टिक कर दीजिए। अब अगर फ्लावर से बुद्धू आपने कमाडी जैसे व्हाट्सएप नंबर पर मैं कांटेक्ट कर दूँ। इसमें से आपको जो भी मटेरियल चाहिए, फ्लावर से, पोलन से, मिरर, एमडीएफ कटिंग, ये ज्यूट डोरी, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हैंगिंग बना देते हैं एक साइड पर। तो उसके लिए ऐसे बॉल चेन या मोती का थोड़ा सा पोजन लेके ये वाली बॉल चेन ले लीजिए, उसको हैंग कर दीजिए, उसके थोड़ी ऊपर नीचे रखिए और ऐसे नीचे से छोड़ दीजिए। फिर नीचे हैंगिंग के लिए हम ये मोती वाले बॉल यूज करेंगे, उसको सिंपली यहाँ पे स्टिक करना है, वो भी ग्लू गन से हो जाएगा। तो ये पूरा हैम्पर बन के रेडी है। अब इसको आप फेस्टिव में यूज़ कीजिए, फेस्टिव सीजन में, जैसे रक्षाबंधन पे, दिवाली में किसी को गिफ्ट करना है। हम इसमें ऐसे जार में या फिर पोटली में, जो जूट बैग्स बटवा आता है उसमें, ऐसे यहाँ पे हमारे गिफ्ट रख सकते हैं। रक्षाबंधन में, राखी में भी आपको इसमें राखी रखनी है, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट रखने हैं, तो आप रख के गिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा तो हमें इसको और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। मतलब अंदर क्या सामान रखना है उस हिसाब से इसकी साइज हमें लेनी पड़ेगी। और चेन इज दिस, दिस इज बॉल चेन, ये बॉल चेन है। बताओ भी आइडिया तो बोलता था। हाँ, 30 रुपीज मीटर की आती है ये बॉल चेन। इसमें भी वैरायटी आती है अलग अलग। आप अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे आपको सब रिप्लाई प्राइस सब मिल जाएगा इसकी। नीचे बॉल चेन, तो ये वाला हैम्पर भी हमारा रेडी है। अब हम बनाने जा रहे हैं ये हैम्पर, पिरामिड हैम्पर। तो उसके लिए हमें पहले चाहिए एमडीएफ कटिंग। उसमें साइज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज रखनी है। हमने ये लिया है 12 इंच का।
12 इंच वाला MDF कटिंग लिया है, इसके ऊपर हम वेलवेट का कपड़ा है या कोई भी डिजाइनर 420, इसकी अप्रोक्स कॉस्टिंग होगी 420, सब मटेरियल के साथ आपको ये 420 में रेडी हो जाएगा। और ये जो बॉल चेन आप हमने यूज की थी उसमें एक ये गोल्डन वाली भी आती है, थोड़ी एक पतली वाली भी आती है, रेड कलर में भी आती है, वो सब आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको फोटो और वीडियो कॉल पे भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो चलिए हम अब ये वाला हैम्पर देखते हैं, उसके लिए पहले लेते हैं ये MDF कटिंग। अब इसके ऊपर आप वेलवेट का कपड़ा है या कोई भी डिजाइनर कपड़ा है आपके पास, या फिर ऐसे डिजाइनर पेपर्स भी हमारे पास अवेलेबल है तो वो यूज कर सकते हैं। पेपर देख लीजिए, बहुत सारी वैरायटी है पेपर्स में, आप थीम के हिसाब से भी पेपर यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये पेपर यूज किया है, पेपर स्टिक करना है फेविकॉल से, फेविकॉल लिया, इसके ऊपर पेपर स्टिक कर दिया और फिर उसको कट कर देना है सीजर से, बॉर्डर से। ये कट हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे जूट रिबिन लगाई है, वहां पे भी आप ऐसे बॉल चेन भी यूज कर सकते हैं ये वाली। बॉर्डर पे हमें कुछ भी लगाना है जिससे इसका फिनिशिंग अच्छा रहेगा। मैंने ये जूट लेस यूज की है, आप ऐसी बॉल चेन है या कोई भी रिबिन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा ये रेडी है पेपर लगा के और ये जूट डोरी लगा के, फिर हमारे पास ये वाले स्टिक अवेलेबल है। आपके पास अगर ये स्टिक नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी ऐसी स्टैंडिंग चीज है तो वो ले सकते हैं। यहाँ पे हमें उसको ग्लू गन से स्टिक करनी है और कितनी हाइट चाहिए उस हिसाब से सेट करके कट कर देना है। तो इतना हमारा रेडी हो गया बेस, अब उसके ऊपर नेट कैसे लगाएंगे। नेट का एक टुकड़ा लेके उसे थोड़ा इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, जैसे साड़ी में हम पल्लू करते हैं ना। फिर उसे बीच में से किसी भी चीज से हम टाई कर देंगे, या आप कोई थ्रेड या ट्विस्टर तार किसी से भी। तार यूज कर सकते हैं या ट्विस्टर, सबसे इजी रहेगा। ऐसा रेडी हो गया और ये हमारा रेडी है। फिर हम यहाँ पे ग्लू गन लगा के जहाँ से हमने टाई किया है वहां से उसे स्टिक कर देंगे अच्छी तरह से। ये ग्लू गन से एकदम इजीली स्टिक हो जाएगा। आपको यहाँ पे नेट यूज नहीं करनी है, तो आपके पास कोई कपड़ा है साटिन का, या फिर कोई भी अगर घर में कुछ पड़ा है तो वो भी यूज कर सकते हैं, अगर वो क्रिएटिव दिख रहा है तो। कार्डबोर्ड भी आपको यहाँ पे बेस में कार्डबोर्ड की जगह MDF लेना है तो वो भी चलेगा, MDF की जगह पे कार्डबोर्ड लेना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो स्टडी नहीं रहेगा, उसमें आप ज्यादा वजन नहीं रख पाएंगे और ये थोड़ा मजबूत रहता है। अब ये यहाँ से स्टिक हो गया, क्या निकल जाता है आपके, अगर आप ऐसे स्टिक कर रहे हैं ग्लू गन से और वो टिकता नहीं है, निकल जाता है, तो आप ये वाला नहीं, यहाँ पे आप थोड़ी ज्यादा ग्लू गन यूज कीजिए, ये नहीं निकलेगा। देखिए हमने ग्लू गन से ही स्टिक किया है और ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ग्लू गन आती है वो यूज कीजिए, तो ये नहीं निकलेगा। ग्लू स्टिक आती है वो यूज कीजिए, वो नहीं निकलेगा। वो ये थोड़ी स्टिक हो वैसी आती है, इसमें दो तीन तरह की वैरायटी मिलती है मार्केट में, उसमें चालू क्वालिटी भी आती है और ये हैवी वाली है, तो आप उसको हैवी, आपको हैवी वाली यूज करनी है, थोड़ा स्टिकी वाली लेनी है। हाँ, स्टिकी वाली लेनी है आपको। अदर में कई सब हो गया ग्लू स्टिक के लिए मार्केटिंग करे कि हमारे पास जैसे तुम्हें गारंटी आप जैसे टाइल्स भी चिपकी रहे कई दो नेटला रुपए नहीं जाओ से मन नथिंग इज रॉन्ग उल्टा नहीं खबर पड़ेगा। हाँ, मतलब आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे ये स्टिक नहीं हो रहा निकल रहा है, तो आप हमारे पास ये ग्लू गन और ग्लू स्टिक ऑर्डर कर सकते हैं, ये नहीं निकलेगा, इससे टाइल्स भी स्टिक हो सकती है।
नेट को एक जगह से लेके हमने दो साइड की है तो उसमें से एक साइड हम पहले स्टिक करेंगे, तो इसे थोड़ी फैला देंगे हम। आपको बॉर्डर पे नेट फैला देनी है और थोड़ा खींच के टाइट हो, यहाँ से थोड़ा फॉल ऐसे आ जाए टाइट हो, वैसे नीचे से टाई करनी है और स्टिक करनी है। तो यहाँ से हम इसे ग्लू गन थोड़ी लगा देंगे ग्लू स्टिक। आप ये स्टिक करें तो थोड़ा थोड़ा खींच के कीजिए, ऊपर से ये लूज नहीं रहना चाहिए, टाइट हो जाएगा एकदम। तो इजीली ऐसे स्टिक हो जाएगा। देखिए ये फॉल जैसा आ रहा है ना वैसा आना चाहिए, उसके लिए आपको पूरा खींच के नीचे स्टिक करना है। और बाकी की बची लेंथ हम काट लेंगे दूर से थोड़ी। ये जो एक्स्ट्रा नेट है वो हम निकाल देंगे। अब दूसरे साइड से भी हमें वैसा ही पूरा पिरामिड जैसा शेप, ट्रायंगल जैसा शेप बनाना है। तो यहाँ से हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उसके सामने की साइड से हम नेट स्टिक करेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ये सामने आना चाहिए, जैसे यहाँ है तो यहाँ से दूसरे वाली साइड का नेट चालू करेंगे हम। तो ये दोनों साइड से स्टिक हो गया, अब ये एक्स्ट्रा वाली नेट हम निकाल देंगे। तो ऊपर से हमारा लुक ऐसा आ जाएगा हैम्पर का। थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए आप जहां से भी लूज लग रहा है वहां से खींच के नीचे फिर से स्टिक कर सकते हैं, पूरा टाइट हो जाएगा। तो ये नेट वाला पार्ट भी रेडी है। अब यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए एक फ्लावर बंच होगा और यहाँ पे बॉर्डर पे हम ये बॉल चेन यूज करेंगे। ये सब ऑप्शनल है, आपको अगर हैम्पर में इतना ही बनाना है तो आप इतना करके बस यहाँ पे फ्लावर लगा के छोड़ दीजिए या सिर्फ रिबिन का बो बना के छोड़ दीजिए। हम ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है, आपको करना है तो कर सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। बीच में एक पॉइंट पे ग्लू गन लगाया और ग्लू लगा के इसको नीचे स्टिक करेंगे। इसको थोड़ा सा लूज रखिए तो उसका लुक अच्छा आएगा। जो नीचे एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे। अब इसके नीचे भी इसको अच्छे से स्टैंड हो पाए उसके लिए हम ये वुडन बीड्स यूज करेंगे। तो ये हमारा बेस रेडी है, अब इसको हम थोड़ा डेकोरेट करते हैं फ्लावर से। तो उसके लिए हमारे पास लूज फ्लावर्स भी है, फ्लावर बंच भी है, आपकी थीम क्या है उस हिसाब से आप फ्लावर सिलेक्ट कीजिए और फ्लावर बंच बना सकते हैं।
जैसे ये फ्लावर लगाया, उसके साथ थोड़ा सा हम लीव्स और वो सब यूज करेंगे, लीव्स है, पोलन्स है। या हमारे पास रेडी वाले भी फ्लावर बंच अवेलेबल है, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ स्टिक ही कर देना है। रेडी वाला लाने पोलेंस, थोड़ा पोलेंस ऐड कर देती एक बार। आपको ऐसे रेडी बनाए हुए भी फ्लावर बंच मिल जाएंगे 50 रुपीज, 70 रुपीज, 60 रुपीज की रेंज में। तो आपको ये बनाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्टिक कर देना है, ये रेडी ही मिलेगा आपको। अब हम थोड़ी सी रिबिन ऐड कर रहे हैं इसमें, एक बो बना देते हैं सिंपल से। वो बाहर ही बना के हमें यहाँ पे स्टिक करना है। अब इसमें हम क्या रख सकते हैं, तो आपको जो भी गिफ्ट करना है, जैसे हमें यहाँ पे ये सब चीज का हैम्पर बनाना है, तो इसको हम अब अंदर अरेंज कर लेंगे। जो स्टैंडिंग में हो सके वो सब चीज हम पीछे रख देंगे, ताकि उसके सपोर्ट पे हमारे सब पैकेट्स रह सके। आप इसे हल्का हल्का डबल साइडेड टेप से स्टिक कर दीजिए, ताकि वो हिले नहीं। आप अंदर जो भी सामान रख रहे हैं ना, उसको टू वे टेप से यहाँ पे पैकेट पे स्टिक कर दीजिए, तो वो गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं। तो ये हमारा थर्ड हैम्पर भी रेडी है। बता बता भी थी? तो आज हमने ये तीन टाइप के हैम्पर बनाना सीखा। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। आपको किसी की भी प्राइस जाननी है या किसी भी प्रोडक्ट के लिए कुछ भी पूछना है या ऑर्डर करना है, तो आप हमें कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू। चाले से क्लोज सेव करना।